हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूल इकोनॉमी स्विच कंट्रोलर, ठीक है, FE, फ्यूल इकोनॉमी स्विच कंट्रोलर, ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी स्विच कंट्रोलर। ये अभी BS4 लगभग बड़ी गाड़ी सब में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका एक यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा फ्यूल इकोनॉमी स्विच कंट्रोलर, ठीक है। इसमें है कुल 7 वायर होता है, ठीक है, 7 वायर लगा होता है। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या है, फ्यूल इकोनॉमी स्विच कंट्रोलर, ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी स्विच कंट्रोलर। तो फ्यूल के इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला स्विच, ठीक है, फ्यूल के इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला स्विच। और ये ECM से कनेक्ट रहता है, इसमें 2 वायर ECM का होता है, ठीक है। और दो देखिएगा आप, बड़ी गाड़ी से 25 18, 31 18, 37 18, 40 18, ये सब गाड़ी में 2 स्विच दे रहा है, एक हेवी मून स्विच और एक लाइट मून, ठीक है। ये हो गया लाइट, ये हो गया हेवी मून, ओके। तो यही दोनों स्विच से इसका काम होता है, ये दोनों स्विच इसको ऑपरेट करता है, स्विच से भी इसका कनेक्शन होता है। अभी हम इसके वायरिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, एक एक वायर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये तो एक डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट, ये देखिए, ये दोनों स्विच इससे कनेक्ट है, ठीक है, ये दोनों स्विच इससे कनेक्ट है, ये है ECM से, ठीक है, ये हो गया हमारा ECM, ठीक है। तो स्विच फ्यूल इकोनॉमी से कनेक्ट है और फ्यूल इकोनॉमी ECM से कनेक्ट है, और ECM से तो लगभग हर चीज कनेक्ट है, ठीक है, इंजन हो या इलेक्ट्रिक हो। अब क्या होता है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे मैंने हाई मून स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, हैवी मून को, तो यहाँ से सिग्नल आया फ्यूल इकोनॉमी में, और फ्यूल इकोनॉमी फिर एक वोल्टेज के थ्रू सिग्नल भेजा ECM को। जब भी ECM में सिग्नल जाएगा कि इसने हैवी मून को ऑन कर दिया है, तो ECM क्या करेगा, ECM से तो डायरेक्ट कनेक्शन है इंजेक्टर का, ठीक है, 6 इंजेक्टर जो है वो डायरेक्ट ECM से कनेक्ट है। तो जैसे ही हम हेवी मून स्विच को ऑन किए, यहाँ सिग्नल आया फ्यूल इकोनॉमी में, फ्यूल इकोनॉमी से आया ECM में, और ECM जो है ये क्या किया, ये थोड़ा सा जो करंट दे रहा है ये इंजेक्टर में, वो उसने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसे करंट थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। जब ज़्यादा हुआ तो फ्यूल जो है थोड़ा ज़्यादा स्प्रे होने लगा, इंजेक्ट ज़्यादा होगा, जैसे ही फ्यूल का इंजेक्शन ज़्यादा होगा तो गाड़ी का पिकअप थोड़ा बढ़ जाएगा, इसी के लिए ये दिया है फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोलर। तो अब हम बात करते हैं इसके वायरिंग के ऊपर, ठीक है, इसके वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें एक ग्राउंड होगा और एक चाबी स्विच का मेन होगा, ठीक है, दो चीज एकदम रहेगा ही, चाबी स्विच का मेन और ग्राउंड, ओके। तो यहाँ देखिए, एक मैंने ग्राउंड, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राउंड का वायर, ठीक है। लेकिन देखिए, इसमें ग्राउंड भी है, ये एक अर्थिंग वायर जो है वो भी ECM से है, ठीक है। तो ये हमारा होगा ECM का पिन नंबर 67, ठीक है, ये पिन नंबर, ये देखिए 67J2, ठीक है, जो ग्राउंड है वो पिन नंबर 67J2 से आ रहा है ECM में, ओके। तो एक हमारा ग्राउंड का वायर हो गया और एक तो चाबी का मेन रहेगा, ठीक है, ये चाबी का मेन ECM से नहीं है, ठीक है, हम चाबी ऑन करेंगे तो इसमें करंट आएगा। तो एक हो गया हमारा इग्निशन स्विच का पॉजिटिव, ओके। तो और देखिए, और इसमें एकदम आसान है, देखिए, एक ग्राउंड हो गया, एक इग्निशन स्विच का, और 4 वायर इसका होता है, 2 हेवी मून से और 2 लाइट मून से, ठीक है। तो 2 हेवी मून से आ गया और 2 हो गया लाइट मून, ठीक है, ये 2 हो गया लाइट मून। तो इसमें कुल हो गया 4 और 2 6, ठीक है, 6 वायर हो गया, और एक वायर रह गया, ठीक है, एक वायर है वो ECM से है, वो सिग्नल वायर है, जैसे ये हो गया हमारा, ये लास्ट 6th वायर, ओके। तो ये है ECM के पिन नंबर 26, ओके, वो भी J2
दोनों वायर J2 कनेक्टर से ही आ रहा है ECM का, तो एक आ रहा है पिन नंबर 26 से जो सिग्नल है, ठीक है, इसी के थ्रू सिग्नल देता है हमारा फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है। जैसे हम अगर हेवी मून स्विच को ऑन कर रहे हैं तब भी ये इसी से सिग्नल देगा, अगर लाइट मून हम ऑन कर रहे हैं स्विच तब भी ये इसी से होगा, ठीक है। एक ही वायर है दोनों स्विच के लिए, और एक तो ग्राउंड है जो ECM से आ रहा है पिन नंबर 67 से J2, और ये दूसरा सिग्नल वायर। तो ये है हमारा फ्यूल इकोनॉमी स्विच जो है, फ्यूल इकोनॉमी स्विच कंट्रोलर, इसका काम और इसका वायरिंग कनेक्शन। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मैं, हालांकि ये जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, ये गाड़ी पे मैं बताता डायरेक्ट आपके सामने होता वो सब, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको एक एक वायर के बारे में और डिटेल्स में पूरे वायरिंग के साथ मैं बताने का कोशिश करूँगा।